मैं अभी बैठा हुआ हूँ हुंडई क्रेटा में, और जो वेरिएंट आज मैं आपको दिखाऊंगा ना, मेरे हिसाब से हुंडई क्रेटा अगर आप लेने जा रहे हो तो ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी रहेगा, और जितने ज़रूरत के फीचर्स है, या फिर आप ये मान लो कि जब आप इतना पैसा डाल रहे हो तो ये फीचर्स आपको मिलने चाहिए गाड़ी में, तो उस हिसाब से आप इस वेरिएंट को देखना। मैं बात कर रहा हूँ इस एस ऑप्शनल वेरिएंट की, जो कि बेस से आपका चौथे नंबर पे आता है। सबसे पहले ई आता है, फिर ई एक्स आता है, फिर आता है एस, और फिर आता है ये एस ऑप्शनल वेरिएंट। दूसरी चीज़ क्या खास है इस वेरिएंट में कि इसी वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक के ऑप्शन मिलेंगे। आप पेट्रोल लो चाहे आप लो डीजल, ऑटोमेटिक अगर आपको चाहिए ना तो एस ऑप्शनल वेरिएंट ही लेना पड़ेगा। तो इस वेरिएंट में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल नेचुरल एस्पिरेट इंजन मिलता है, सीवीटी के साथ ले सकते हो आप, या फिर 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आप डीजल ले सकते हो 6 स्पीड के ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ, या फिर आप 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। ठीक है, तो चार ऑप्शन है। एक इंजन ऑप्शन जो है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही आता है क्रेटा में, 1.5 लीटर का टर्बो वेरिएंट। अब इस वेरिएंट के प्राइसिंग की बात करें ना, तो ऑन रोड प्राइस ही मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, लगभग 16,30,000 रुपये की ये गाड़ी पड़ेगी अगर आप पेट्रोल 1.5 मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हो तो। अगर आप उसमें सीवीटी में चले जाते हो तो आपको पड़ेगी 18,00,000 रुपए के ऑन रोड। एक्स शोरूम प्राइस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो तो सेम ये सीवीटी के जो है प्राइसिंग जितना कॉस्ट करेगी, 18,00,000 रुपए डीजल मैनुअल। और अगर आप डीजल ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको ये गाड़ी 19,80,000 रुपए की पड़ेगी ऑन रोड। मैं गुड़गांव हरियाणा के ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, आपके शहर में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने शहर का नाम कमेंट कीजिए, वेरिएंट का नाम कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपके शहर में ये गाड़ी कितने रुपए की पड़ेगी। और अगर दिल्ली एनसीआर में आपको हुंडई की कोई भी गाड़ी चाहिए तो आप डीएम हुंडई में आ सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी ले जा सकते हो। अब ये तो होगी सारी बातें कि कौन कौन से इंजन ऑप्शन, कौन कौन से गेयरबॉक्स ऑप्शन और कितने रुपए में आपको मिलेंगे। अब बात आती है जी फीचर्स की, कि फीचर्स क्या मिलते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको इसी वेरिएंट से मिलेगी, बाहर की बातें बाद में करेंगे, पहले आज मैं आपको अंदर जो है वो गाड़ी के दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ऊपर यहां पे देख पाओगे गाड़ी में पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, जो कि एस ऑप्शनल वेरिएंट से ही मिलेगी, और क्रेटा की एक एक खासियत है, क्योंकि जब क्रेटा में पैनारोमिक सनरूफ आई थी तो सेल्टोस वगैरह में और किसी गाड़ी में नहीं मिलती थी, तो ये एक चीज़ आपको मिलेगी। और दूसरी, आप इंटीरियर गाड़ी का देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा फील जो है वो आपको इंटीरियर का आएगा। यहाँ पे ड्यूल जोन अपने पास क्लाइमेट कंट्रोल एसी आ जाता है, हल्का सा स्पेस है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो, ऊपर 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है जो कि एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट करता है। इसमें ब्लूलिंक के फीचर नहीं आते इस वेरिएंट में। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी 10.25 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, डिजिटल है ये भी, और TPMS के फीचर आ जाते हैं, बाकी आप अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख पाओगे। एक चीज़ और, यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो आपको दिखेंगे ड्राइव ट्रैक्शन, ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के फीचर, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑटोमेटिक के साथ मिलेंगे। अगर आप एस ऑप्शनल मैनुअल वेरिएंट्स लेते हो तो ये चीज़ें जो है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलेगा। ड्राइव ट्रैक्शन के 3-3 मोड्स है, आप स्क्रीन में यहाँ पे देखोगे तो ट्रैक्शन के अपने पास स्नो मड सैंड आ जाते हैं, एंड ड्राइव के अपने पास इको स्पोर्ट्स नॉर्मल, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी हल्की हल्की जो है वो उस हिसाब से लाइटिंग चेंज कर लेता है। स्टेयरिंग पे आप देखोगे ना तो स्टेयरिंग पे आपको इस साइड मिलते हैं मीडिया के कंट्रोल्स, उस साइड आपको मिलेंगे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन, ठीक है ये वाले, और पैडल शिफ्टर भी आपको ऑटोमेटिक के साथ ही मिलते हैं, जाहिर सी बात है। एक चीज़ और मैं इस गियर बॉक्स के बारे में और बता देता हूँ, आप या तो यहाँ से मैन्युअली अपने गियर चेंज कर सकते हो, या फिर आपके पास एक ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ आपको, आप इसको जस्ट सबसे पीछे की तरफ ले जाओ, डी की तरफ, और फिर आप इसको इस तरफ ले जाओ, ठीक है, तो अब आप ऐसे मैनुअल प्लस और माइनस जो है वो गियर्स को कर सकते हो। ये सीवीटी देख रहे हो आप, ऑटोमेटिक जो है वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप डीजल लेते हो तो। अब जी स्टेयरिंग की बात करें ना, तो टॉप वेरिएंट में स्टेयरिंग आपका लेदर रैप्ड आता है, आपका गियर नोब लेदर रैप्ड आता है, आपके यहाँ पे लेदर की फिनिश आती है, तो वो चीज़ें इस वेरिएंट में नहीं मिलेगी। हालांकि स्टेयरिंग अपना टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वे में जो है वो एडजस्ट हो जाता है, तो ये अच्छी बात है। इस तरफ आपके वाइपर्स है, रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर ना हुंडई ने क्रेटा के टॉप वेरिएंट में भी नहीं दिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया पर नहीं मिलता। हाँ, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर जो है वो आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है। MID मैंने आपको दिखा दी, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो वो यहां से देख सकते हो।
गाड़ी में बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, तो सेफ्टी की कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनली आपको क्रेटा में ना थोड़े से मटेरियल्स, थोड़े से स्टील जो है वो ज़्यादा लगाए गए हैं, थोड़ी भारी की गई है गाड़ी, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ वहाँ पे एडिशनल जो है वो लोहा स्टील लगाया गया है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी सेफ्टी भी अब वो जो पुरानी वाली क्रेटा है उससे ज़्यादा मिलने वाली है इस गाड़ी में। ऊपर IRVM अपना मैनुअल आता है, यहाँ पे अपने को LED लाइट्स मिलती है, सनग्लास होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर भी मिलता है, और सनरूफ का मैंने आपको बता दिया, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको इसी वेरिएंट से ऑफर की जाती है। देन अपने पास कुछ एक चीज़ें और है, जैसे कि मैं आपको चाबी दिखा दूँ, तो ये की आपको मिलती है, दोनों ही चाबियाँ कुछ ऐसी आपको मिलती है, लॉक अनलॉक बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन मिलता है, और इस गाड़ी में पुश स्टार्ट स्टॉप के फीचर्स जो है वो भी आपको मिल जाते हैं, तो कंफर्ट की ना काफ़ी चीज़ें आ जाती है एस ऑप्शनल वेरिएंट में। ऑटो ऑन ऑफ का है, ट्रैक्शन का है, बाकी अपने पास हेडलैम्प लेवलर है। सेफ्टी के लिहाज से फीचर्स की बात करें तो सारे फीचर्स आते हैं, हिल डिसेंट कंट्रोल आता है गाड़ी में, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, सारे जितने भी मैंडेटरी फीचर्स है ना वो सब दिए गए हैं। एडास आता है लेकिन टॉप मॉडल में आता है, यहाँ पे आपको एडास से रिलेटेड फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे स्पेस है जिसमें फ़ोन रख सकते हो, बाकी ग्लोब बॉक्स में इतना स्पेस है, कूल्ड ग्लोब बॉक्स का फीचर भी आता है। 4 स्पीकर है गाड़ी में, 2 ट्विटर है, बोस का कोई भी सिस्टम नहीं है, मतलब कि बोस के स्पीकर टॉप मॉडल में मिलते हैं यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, और ये वाला पैनल और बच गया अपना। पावर विंडोज के कंट्रोल अपने पास आते हैं, ORVMs को यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, चाबी पे लॉक अनलॉक पे भी जो है फोल्ड हो जाएंगे, एंड ड्राइवर साइड जो विंडो है वो ना ऑटो अप आती है ना ऑटो डाउन आती है, ये एक छोटी सी कॉस्ट कटिंग मेरे को और लगी। अब चलिए अब आपको एक बार सीटें दिखाता हूँ, और फिर जो है मैं गाड़ी के बाहर से आपको दिखाऊंगा क्या मिलता है। लाइट एक बार अपन ऑन कर लेते हैं गाड़ी की। ओके, तो अब जी सीट की बात करें जिस पे काफ़ी देर से मैं बैठा हुआ हूँ, फैब्रिक की सीटें हैं, हाइट एडजस्टमेंट के फीचर आते हैं, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है क्रेटा की, और जो सस्पेंशन है वो भी गाड़ी का काफ़ी कंफर्टेबल है। कंफर्ट के हिसाब से अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ियाँ देखते हो ना, तो एलिवेट और क्रेटा ये दो रिकमेंडेशन मेरी रहेगी आपके लिए, ये दोनों अच्छी है कंफर्ट के मामले में। सेल्टोस का ना थोड़ा सा स्टिफ सस्पेंशन आपको मिलता है, तो क्रेटा उस हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे फील होती है। अब जी लाइटें आप देखोगे गाड़ी की, तो बिल्कुल जो टॉप मॉडल वाली लाइटें हैं वही मिलती है, LED लाइट, इसी वेरिएंट से आपको ये लाइटें भी स्टार्ट होती हुई दिखेगी। इससे नीचे जो है वो आपको सिंगल वाली मिलती है, कनेक्टिंग DRLs आपको मिलते हैं। एक जो छोटी सी कमी रखी गई है टॉप मॉडल के मुकाबले में, कि आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं मिलते, नॉर्मल इंडिकेटर मिलते हैं, LED ही, लेकिन बस सिक्वेंशियल इंडिकेटर नहीं है। बाकी ब्लैक कलर ये आप देख रहे हैं गाड़ी में, आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक ड्यूल टोन है वाइट के साथ ब्लैक रूफ, बाकी सारे आपको मोनोटोन कलर्स गाड़ी में मिलते हैं। देन फोग लैंप वगैरह जो है वो इस वेरिएंट में नहीं आते। अलॉय आप देखोगे तो ब्लैक कलर के अलॉय है, 21560R17 का जो है वो टायर का प्रोफाइल है। गाड़ी में चारों डिस्क के ऑप्शन आते हैं, तो उससे भी आपको कोई शिकायत नहीं रहेगी। ORVMs का मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल वाले जो है वो फीचर्स आते हैं, LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पर मिलते हैं, ऑटो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है, और जो डोर हैंडल्स है ये आपको बॉडी कलर मिलते हैं एस ऑप्शनल वेरिएंट में, इससे ऊपर ये क्रोम के मिल जाएंगे। ऊपर अपने पास सिल्वर कलर की जो है वो रूफ रेस आती है, पीछे अपने पास स्पॉइलर आ जाता है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ, जो पुरानी वाली क्रेटा है ना वो रही, उसमें आप देखो कि जो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है वो गाड़ी के सेंटर में दिया है, ऊपर नहीं दिया, जबकि वो होना चाहिए ऊपर, मतलब ही वही है भाई, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप का ऊपर देना, तो अब की बार ये चीज़ें जो है वो सही कर दी है। वाइपर डिफोगर वॉशर शार्कफिन एंटीना ये भी मिलता है, पीछे वाली लाइट है ये भी आपको पूरी कनेक्टिंग मिलती है, तो ये भी अच्छी बात है। बैक लैंप यहाँ पे नीचे मिलता है, क्रेटा की बैजिंग है, वेरिएंट की कोई बैजिंग नहीं है, SX लेते हो आप तो SX की बैजिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर गाड़ी में आता है, 433 लीटर का है ये बूट स्पेस, और बिल्कुल एकदम फ्लैट बूट है, काफ़ी अच्छा बूट जो है वो क्रेटा का माना जाता है, इजीली आप कोई भी सामान रख सकते हो। 60-40 का स्प्लिट रेशियो आता है, पार्सल ट्रे आती है, यहाँ पे अपने पास बूट लैंप भी आ जाता है, स्पेयर व्हील आता है 16 इंच का, क्योंकि बेस वेरिएंट में 16 इंच के टायर आते हैं, तो वो है, और टायर का प्रोफाइल भी जो है वो हल्का सा आपको कम मिलेगा, 205/65 का प्रोफाइल है। बाकी चलिए अब अपन रियर सीट की बात करते हैं। एक चीज़ और देखो आप, जैसे ही ये अनलॉक होती है ना आपकी, ये लाइट जो है वो बंद हो जाती है और वो लाइट जलती रहती है, तो ये भी कुछ टच दिए है हुंडई ने। 4 पार्किंग सेंसर्स आते हैं इस गाड़ी में, कैमरे की क्वालिटी भी मैं आपको चेक करवाऊंगा। यहाँ पे आपको 50 लीटर का टैंक मिलता है, तो पेट्रोल डीजल आप 50 लीटर डलवा सकते हो, रेंज आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी कितनी रेंज आपकी फुल टैंक में आती है।
सनसेट्स जो है वो आपको मिलते हैं गाड़ी में, ये बेस वेरिएंट से ही दिए गए हैं सनसेट, ये काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपको कोई भी सॉफ्ट टच नहीं मिलता डोर पे, हालांकि मैट ब्लैक जो है वो आपको फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे सिल्वर कलर की आपको फिनिश मिलती है, बता दिया पावर विंडो मिलती है सारी की सारी। अब बात आती है जी रियर सीट्स की, रियर सीट्स ना क्रेटा की काफ़ी कम्फर्टेबल है और ये रिक्लाइन जो है वो भी आपकी हो जाती है। ये देखो एक स्टेप, ठीक है, अब दूसरा स्टेप और ये हो गई आपकी फुल रिक्लाइन, तो कंफर्टेबल जो है वो सीट से है गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया था स्पोर्ट्स है। एक बार मैं एडजस्ट कर लेता हूँ इस सीट को और फिर आपको बैठ के दिखाता हूँ। तो अभी सीट मैंने अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, नी रूम में लेग रूम में किसी टाइप की कोई समस्या नहीं है। थाई स्पोर्ट हुंडई की हर एक गाड़ी का जो है वो मैंने अच्छा देखा है, एक हुंडई कोना को छोड़ के बाकी सबका थाई स्पोर्ट काफ़ी बढ़िया है और सीटें अच्छी है, ठीक ठीक जो है वो कुशन क्वालिटी है। रिक्लाइन एंगल मैंने आपको बता ही दिया, गाड़ी में जो है वो तीन हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। एमिनिटीज के तौर पे यहाँ पे पीछे रियर एसी वेंट्स दिए गए हैं, टाइप सी के दो सॉकेट्स दिए गए हैं, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह इस वाले वेरिएंट में नहीं आती, टॉप वेरिएंट में आपको एम्बिएंट लाइट वगैरह जो है उसके भी फीचर्स मिलते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ये लाइटें मिलती है पीछे, ठीक है। तो फीचर्स मैंने आपको बता दिए, मेन चीज़ें क्या है कि आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ जो कि काफ़ी लोगों को पसंद आती है और काफ़ी लोगों के लिए ये ख़रीदने का एक बड़ा रीज़न रहता है किसी भी गाड़ी को। दूसरी चीज़ आपको टॉप मॉडल वाली लाइट्स मिल जाती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको बढ़िया मिल रही है। अलॉय व्हील्स जो है वो भी आपको इसी वेरिएंट से मिलते हैं, तो इस वजह से ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए हो जाता है। अब बात आती है इंजन ऑप्शंस की, तो मैंने आपको बताया पेट्रोल डीजल मिलते हैं, 115 bhp आपको मिलेगी पेट्रोल में और 143 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डीजल में आप लेते हो तो 116 bhp आपको मिलती है और लगभग आपको 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इस गाड़ी में। तो दोनों ही इंजन काफ़ी बढ़िया है, डीजल आपको नो डाउट काफ़ी बढ़िया माइलेज देगा। हमारा एक फ्रेंड जो है वो क्रेटा यूज़ करता है तो 20+ की माइलेज जो है वो क्लेम करता है अपनी गाड़ी पर डीजल वेरियंट पर। पेट्रोल में हल्की सी कम आपको माइलेज मिलेगी, रियल टाइम माइलेज बता रहा हूँ मैं, जो कंपनी क्लेम करती है वो तो आपकी स्क्रीन पर दिखेगी। रियल टाइम में पेट्रोल अगर आप लेते हो तो आप ये मान लो 13-14-15 इतनी इस गाड़ी से एवरेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। और हाईवे सिटी दोनों मिक्सअप ही बता रहा हूँ, हाईवे पे थोड़ी ज़्यादा दे देगी, सिर्फ हाईवे पे चलते हो तो सिटी में थोड़ी सी और जो है वो आपको कम दे देगी, तो बस यही है। बट लमसम जो है वो इतनी एवरेज आपको मिलेगी इस गाड़ी के साथ। बाकी हुंडई वारंटी अपनी गाड़ियों पर देता है 3 साल या फिर 1,00,000 किलोमीटर जो भी आपका पहले हो जाए। सर्विस वगैरह आपको बताइए, हुंडई काफ़ी एक अच्छा ब्रांड है, सर्विस वगैरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छी आपको रीसेल वैल्यू भी क्रेटा की मिलती है। क्रेटा काफ़ी एक हाइप वाला प्रोडक्ट आप मान लो, अभी जो नई क्रेटा आई ना इसकी ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा बुकिंग हो गई, तो इससे आप ये समझो कि इस गाड़ी पे वेटिंग का सामना भी आपको कर सकता है। और अगर वेटिंग नहीं चाहिए तो हल्की फुल्की कंपनी जो है वो आपको एक्सेसरीज भी बेच सकती है, तो वो थोड़ा है एक इशू वेटिंग वाला, बाकी तो एकदम ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। एस ऑप्शनल वेरिएंट आप ले सकते हो, इसके टॉप वेरिएंट की वीडियो भी है अपने चैनल पे, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, आप हमें बताइए आपको कैसी लगी और ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।